हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपने पास है 2022 मॉडल पैशन एक्सटेक रेड कलर, जिसका इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं इस बाइक में क्या क्या आपको फीचर्स मिलता है, कितना इसकी प्राइसिंग होने वाली है, इंजन पावर आपको कितना मिलता है और आपको इसमें कितनी माइलेज मिलती है। तो ये सारा कुछ डिटेल्स में आपको इस वीडियो के थ्रू हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पैशन एक्सटेक 2022 मॉडल। तो इसमें आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है, क्या क्या इसमें अपडेट किया गया है, रेड कलर में पैशन एक्सटेक कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देखें इसमें जो चेंजेस किया गया है, इसके हेडलाइट में किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो हेडलाइट लगी मिलती है, एलईडी हेडलाइट की सेटअप मिलती है, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट लगा मिलता है और जो इसमें आपको डीआरएस लगा मिलता है, एचसेप में आपको मिलता है। तो कुछ इस तरह से आपको काफ़ी ब्राइट लाइट आपको मिलती है, जो डीआरएस आपको लगा मिलता है। तो कम्प्लीटली आपको जो इसमें हेडलाइट की सेटअप मिलती है, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलती है। तो कुछ इस तरह से आपको जो हेडलाइट मिलती है, काफ़ी स्लीक इसकी डिज़ाइनिंग की गई है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है देखने में। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर हीरो की बैजिंग आपको देखने को मिलती है और यहाँ पर जो इसका वाइजर आपको मिलता है ब्लैक में दिया हुआ है। और साइड में देखेंगे तो आपको एलईडी टेक की आपको यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिलती है साइड में। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस बाइक को राइट साइड से। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस बाइक का राइट साइड प्रोफाइल। तो सबसे पहले यहाँ पर टैंक पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर टैंक पर आपको पैशन यहाँ पर लिखा मिलता है 3D में, जो अपडेट किया गया है इस बाइक में। पैशन आपको अब 3D में यहाँ मिल रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे टैंक काउल पर तो आपको यहाँ पर पैशन लिखा मिलता है 3D में, कुछ इस तरह से। तो रेड कलर में ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर देखेंगे टैंक पर तो आपको यहाँ पर एक्सटेक की आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है, एक्सटेक कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ग्राफिक्स आपको देखने को मिलती है ब्लैक कलर में। इंजन पर आपको हीरो की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, नीचे से आपको सिल्वर फिनिशिंग में देखने को मिलती है और ब्लैक कलर में ऊपर साइड में ब्लैक कलर में दिया हुआ है। इंजन पावर की बात करें तो इसमें आपको जो इंजन लगा मिलता है 110 सीसी का, इसमें सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इसमें इंजन लगा हुआ है, जिसमें आपको जो मैक्सिमम पावर मिलती है इस बाइक में 7 BHP की आपको पावर मिलती है, 7.79 Nm का आपको टॉर्क मिलता है इस बाइक में। और यहाँ पर कैटलिटिक कन्वर्टर यहाँ पर लगा हुआ है। और दोस्तों, यहाँ पर बात करें इस बाइक के माइलेज की तो इसमें आपको जो माइलेज मिलती है नियर अबाउट 55 to 60 km/h माइलेज मिल जाती है। तो दोस्तों, इसका मैंने माइलेज टेस्ट किया हुआ है पैशन एक्सटेक का, तो आप उसे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने जो माइलेज टेस्ट किया हुआ है विथ पिलियन के साथ किया हुआ है, तो आप उसे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। ब्रेक पैडल और राइडर फुट पैक्स आपको यहाँ पर लगा मिलता है, जिसमें आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर रबर का आपको लगा मिलता है और पिलियन फुट पैक्स आपको लगे मिलते हैं। और यहाँ पर देखेंगे जो इसका एग्जॉस्ट आपको कुछ इस तरह से मिलती है। और साइड प्रोफाइल में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर I3S की बैजिंग देखने को मिलती है, रियर साइड में आपको हीरो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। अब गाइस, बात करें इसमें रियर सस्पेंशन और ब्रेकिंग का, तो रियर में आपको जो सस्पेंशन इस बाइक में लगा मिलता है प्रिंस शॉक एब्जॉर्बर लगा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा सस्पेंशन आपको रियर में भी कंपनी ने ऑफर किया हुआ है। और रियर ब्रेकिंग की बात करें तो रियर में आपको जो ब्रेकिंग लगी मिलती है, इसमें भी आपको ड्रम ब्रेक लगा मिलता है, जैसा कि यह बाइक ड्रम वेरियंट है। तो रियर में भी आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। रियर टायर प्रोफाइल की बात करें तो रियर में आपको 18x100 18 इंचेस का आपको ट्यूबलेस टायर लगा मिलता है, जो व्हील साइज आपको रियर मिलती है 18 इंचेस का व्हील साइज दिया हुआ रियर में भी। अब गाइस, बात करें इसमें सीटिंग कंफर्ट की तो आपको जो इसमें सीट लगी मिलती है 799 mm का इसमें सीट हाइट दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी जो सीट आपको मिलती है, इसका कुशनिंग काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, तो राइडर और पिलियन दोनों के लिए काफ़ी कंफर्ट प्रोवाइड करने वाली है सीट इसमें लगी हुई है। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा इसमें सीटिंग दिया हुआ है, तो कुछ इस तरह से आपको पैशन एक्सटेक में सीट मिलती है। अब बाइक के रियर साइड में है तो रियर में आपको जो रियर साइड प्रोफाइल मिलती है कुछ इस तरह से, यहाँ पर आपको हीरो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, जो टेलाइट दिया हुआ है। तो टेलाइट आपको जिसमें मिलती है, बल्ब वाले में टेलाइट लगा हुआ है। और रियर में जो टर्न इंडिकेटर आपको मिलता है, 12 W के हैलोजन बल्ब के इंडिकेटर लगे हुए हैं रियर में भी। और यहाँ पे रिफ्लेक्टर आपको मिलता है नंबर प्लेट लगाने की जगह, तो ये सारी चीज़ें आपको लगी मिलती हैं इस बाइक में। पिलियन ग्रेस आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर पिलियन ग्रेस जो लगा मिलता है, इसमें ब्लैक कलर में दिया हुआ है, मेटलिक आपको पिलियन ग्रेस लगा मिलता है। अब गाइस, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा इस बाइक को लेफ्ट साइड से, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस बाइक का लेफ्ट साइड प्रोफाइल। तो टैंक पे आप देखेंगे जो टैंक काउल है, पैशन की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है दोनों साइड में, जो टैंक काउल है 3D में आपको मिलता है। और यहाँ पर एक्सटेक की आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है, जैसा कि राइट साइड में दिया हुआ था, सिम सी टाइप को आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है इसके टैंक पर।
और यहाँ पे ब्लैक फिनिशिंग आपको देखने मिलती है। जो ग्राफिक्स दिया हुआ है, प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आपको लगा मिलता है इस बाइक में, जिससे आपको इसमें जो माइलेज है आपको बेहतरीन माइलेज मिलती है। और यहाँ पे देखेंगे इसका जो इंजन है, और इसमें आपको जो गियर बॉक्स लगा मिलता है, 4-speed गियर बॉक्स लगा हुआ है, राइडर फुट पैक्स, साइड स्टैंड इंजन कट आपका कुछ सेंसर मिलता है। लेफ्ट साइड में भी देखेंगे तो i3s की आपको यहाँ पे बैजिंग देखने को मिलती है, हीरो के यहाँ पे बैजिंग देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से है इस बाइक का लेफ्ट साइड प्रोफाइल। अब गाइस बात करें इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो आपको जो इसमें फ्यूल टैंक लगा मिलता है, 10 लीटर का फ्यूल टैंक लगा मिलता है। मस्कुलर आपको फ्यूल टैंक लगी मिलती है। जो फ्यूल फिलिंग लीड है आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आपको मिलता है। अब आगे बढ़े और बात करें इसमें स्विचेस की, तो बाइक के लेफ्ट हैंड पे आपको जो स्विचेस आपको मिलता है इस बाइक में, ऊपर आपको पासिंग लाइट का स्विच, हाई बीम लो बीम, टर्न इंडिकेटर और हॉर्न कैपेसिटी दिया वो लेफ्ट हैंड पर। और इसमें आपको जो मीटर कंसोल मिलती है, जो 2022 मॉडल में आप देखेंगे जो पैशन एक्सट्रैक्ट में जो अपडेट किया गया है, इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल लगी मिलती है, कुछ इस तरह से आपको मिलती है। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ सिल्वर फिनिशिंग में आपको देखने को मिलती है जो इसका डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है। तो इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स मिलता है, जो हीरो की राइड कनेक्ट ऐप से आप पेयर करते हैं, तो इसमें आपको SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट, तो ये सारी कनेक्टिविटी फीचर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा अपडेट किया गया पैशन एक्सट्रैक्ट में, तो आपको इसमें कनेक्टिविटी फीचर्स मिलता है, फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिलती है, फ्यूल इंडिकेशन, इंजन चेक लाइट, टर्न सिग्नल, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बाइक के राइट हैंड पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर i3s ऑन ऑफ करने का स्विच और यहाँ पे पावर स्टार्ट का स्विच दिया हुआ है। डायमेंशन की बात करें तो इसका जो कर्वेट निकल कर 118 kg का इसका वेट है, और ओवरऑल लेंथ आपको मिलती है इस बाइक में 2036 mm का लेंथ दिया हुआ है, और इसमें आपको ओवरऑल विड्थ मिलता है 739 mm का विड्थ दिया हुआ है, और इसमें आपको जो हाइट मिलती है 1130 mm का ओवरऑल हाइट मिलता है इस बाइक में, और व्हील बेस आपको मिलती है 1270 mm का व्हील बेस दिया हुआ है। और दोस्तों जो इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है, और इसमें आपको जो सीट हाइट मिलती है 799 mm का इसमें आपको सीट हाइट मिलती है। दोस्तों इसकी प्राइसिंग की बात करें तो पैशन एक्सट्रैक्ट का जो एक्सोरूम प्राइस है 80,000 के अराउंड इसकी प्राइसिंग है, सभी वेरिएंट का प्राइस डिफरेंट है। तो अधिक जानकारी के लिए आप हीरो शोरूम में विजिट कर सकते हैं। सो गाइस ये रहा पैशन एक्सट्रैक्ट 2022 मॉडल का डिटेल रिव्यू। तो ओवरऑल फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको जो फीचर्स मिलता है, जैसे इसमें आपको फुल डिजिटल मीटर कंसोल मिलती है विद कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ, जिसमें आप एंड्रॉयड फ़ोन को आप पेयर कर सकते हैं। तो उसमें आपको जो कनेक्टिविटी फीचर्स है, जैसे SMS अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट, तो ये सारी कनेक्टिविटी फीचर्स का बेनिफिट इसमें ले सकते हैं। आपको जो इसमें हेडलाइट की सेटअप मिलती है, LED हेडलाइट की सेटअप मिलती है विद प्रोजेक्टर हेडलाइट के साथ, और जो इसमें आपको जो नया पेंट स्कीम मिलता है, जो नया कलर स्कीम मिलती है, ये आपको देखने को मिलती है। इसमें आपको i3s सिस्टम मिलता है, प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगा हुआ है, और इसमें आपको बेहतरीन आपको माइलेज मिलती है। नियर अबाउट इसमें आपको 55-60 kmpl की माइलेज मिलती है, और सीटिंग कंफर्ट आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि इसमें आपको काफ़ी कंफर्ट प्रोवाइड करने वाली सीट लगी है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग आपको जैसे फ्रंट और ये दोनों साइड में आपको 130 mm के ड्रम ब्रेक ऑफर किए गए हैं इस बाइक में। तो ये सभी कुछ आपको पैशन एक्सट्रैक्ट में मिलता है। तो दोस्तों अगर आप प्लान कर रहे हैं किसी 110 सेगमेंट में किसी बाइक को लेने की, तो इस बाइक को आप प्रीफर कर सकते हैं। इसमें आपको माइलेज बेहतरीन मिलती है, फीचर्स भी आपको इसमें काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। तो दोस्तों ये रहा पैशन एक्सट्रैक्ट 2022 मॉडल का डिटेल रिव्यू। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई बाइक के साथ किसी नए रिव्यू में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।